जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सभी का मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी, और सभी के लिए आप जो यहाँ पर हमें सुन रहे हो उनके सारे लोगों के लिए आप एक बार क्लैप कर दीजिए, अपने आपके लिए क्लैप कर दीजिए। थैंक यू। जैसे अंकित जी ने अभी बताया, क्या क्या बताया, आपके साथ बहुत सारी बातें की, जैसे आर्टिस्ट्री के सोल्यूशन के बारे में बात की, आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन सोल्यूशन सेट्स, जैसे दो आए थे हमारे पास, राइट। आप सभी को पता है किस किस ने यूज किया है, हैंड रेज कर सकते हो। ओके मैम, हमने भी यूज किया, जब से ये सेट सॉल्यूशन सेट जैसे आया था तब हमने भी यूज किया था। मैं मेरे बारे में जरा थोड़ा सा बात करूंगी। जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, स्किन कंसल्टिंग करती हूँ, और मेरा एक स्किन स्टूडियो है, वो भी मैं चलाती हूँ, और वहाँ पे मेरे काफी सारा मेरा क्लाइंट बेस है, राइट। दोस्तों, अब हम सभी सभी को पता है कि स्किन की केयर करना है, राइट, सभी को पता है, बट हम कितना करते हैं वो हमें भी पता है। यानी ये जो है आपको ही पता है, मेरा मुझे पता है, आपका आपको पता है, राइट। एक चीज मैं बताऊंगी, जैसे स्किन न्यूट्रिशन जो जैसे रेंज आया था तब मैंने स्टार्ट करना मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तब से मुझे 15 डेज में, विद इन 15 डेज में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया है। आपने अगर यूज किया होगा इसका, मैं जो यूज करती हूँ हाइड्रेटिंग, जो हमारा जो रेंज है ये वाला रेंज मैं यूज करती हूँ, काफी अच्छा है इसका। माउथ क्लींजर, जैसे हाइड्रेटिंग माउथ क्लींजर काफी अच्छा है, अगर आप बच्चों को देंगे ना तो इतना अच्छे से आप उनको भी बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को मैंने ये दिया था, अभी वो 13 ईयर्स का है, तो उसने पूरा पूरा हाथ भर के उसको निकाल लिया था, यानी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और आप उनको ये जो अभी अभी अंकित जी ने हमारे साथ जो बातें की, तो उन्होंने बताया कि खास हमारे जो रेंज है वो किन पर फोकस कर रही है, यूथ पर, तो हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। पहले क्या करना है कि जब से ये स्किन जैसे लॉन्च हुआ था, मैंने यूज किया, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। मेरी स्किन जो है मेरे, मुझे ड्राई ड्राई महसूस होती थी, मेरा ड्राइनेस फील होता था, क्योंकि वेदर वेदर तो आपको पता है सारी चीजें होती है, बट हार्मोनल जो है वो हमारा जो लेडीज का जैसे रहता है ना, कुछ अनबैलेंस हो जाता है। मुझे मेरे स्किन में ड्राइनेस थोड़ा सा, जैसे आईज आईज को है मुझे यहाँ पे पफी ने मुझे लग रहा था, तो मैंने ये रेंज जब से स्टार्ट किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया। ये मेरा पफी, जैसे मैंने क्लींजर की मैं बात करूंगी, क्लींजर का तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्लींजर तो इतना अच्छा है, थोड़ा सा ही हमें इन्हें प्रेस करके थोड़ा ही अप्लाई करना है स्किन पर, और बहुत अच्छा, यानी मॉइस्चराइजिंग जो है, मॉइस्चराइजर इतना अच्छा लगता है, हाइड्रेशन हमारा मेंटेन रहता है, तब से मेरा हाइड्रेशन, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा स्किन और ज्यादा सॉफ्ट हो गया। ऐसे नहीं कि पहले नहीं था, बट ये रेंज जो है वो इंस्टेंट हमें रिजल्ट दे रही है, यानी विद इन 15 डेज में, राइट। बैलेंसिंग बैलेंसिंग सेट के बारे में भी काफी बातें होंगी यहाँ पे, तो मैं मेरे बारे में मैंने जो यूज किया है वही बताऊंगी। मुझे ऑसम रिजल्ट आए, मुझे बहुत अच्छी लगी ये रेंज। देन जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है तो मेरे काफी सारे, जैसे मैंने बताया कि मैं एक स्किन स्टूडियो चलाती हूँ, वहां पर भी जो है मैंने बहुत सारे लेडीज को जो है उनके फेस पर अप्लाई करने के लिए दिया था, और उनको जो है दोस्तों 100% रिजल्ट मिले। तो ये हमारे प्रोडक्ट की जो खासियत है, वो आपको यूज करना है, फील करना है प्रोडक्ट को, उसके बाद ही जो है आप रिकमेंड कर सकते हो। हम जिस हम मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैंने आपको प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम क्या करते हैं कि मैंने आपको एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। हम जिस यानी आप सभी को पता है कि हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट जो है वो हम लोग सेल भी करेंगे, बट हमें क्या करना है, खुद पर, यानी 100% प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए, देन आप जो है वो आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वही हमारा सेलिंग हो गया, राइट। तीसरी जो बात है, जैसे हमारी स्किन इसमें, जैसे मैंने बताया कि डार्क सर्कल्स, मुझे डार्क सर्कल की थोड़ा सा इश्यू लग रहा था, अभी एज के हिसाब से हो जाता है, आप मुझे मेरी एज बता सकते हो कितना है, मैं खुद बता दूंगी आपको कि मेरा एज जो है वो अभी, मैं 26 जुलाई को मैं 40 की कंप्लीट होने वाली हूँ। आपको जो है एजिंग आने वाला है, एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, बट हम जो है इसे कुछ समय के लिए थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या फिर स्लो, जैसे आप पर डिपेंड है आप क्या चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि ये थम जाए, उम्र ऐसे ही रहे, सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर काफी सारे बैठे हैं, ऐसे नहीं कि आपको यूज करना है, यहाँ पे काफी सारे जेंट्स भी बैठे हैं, आप दोनों जो है ये रेंज जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम तो हर एक, यानी आफ्टर 30 हम लोग देखते हैं, अभी ऐसे नहीं रहा कि हमारी उम्र जो है 20 है फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा,
कुछ लोग जो है दिखते 20, दिखते 40 के हैं और उम्र रहती है 30। सो हमें क्या करना है, उस एज को जो है हम लोग थोड़ा थमा सकते, थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एजिंग को जो है डिले कर सकते हैं। आई क्रीम का मैंने रिजल्ट पता है आपके साथ शेयर किया है। स्किन न्यूट्रिशन जो है आपको क्यों करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने तो बताया मैं आई क्रीम यूज करती हूँ, डेली मॉइस्चराइजर, डेली क्लींजर यूज करती हूँ, टोनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आई क्रीम यूज करती हूँ, देन मॉइस्चराइजर। तो ये सारी चीजें करना क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट भी पूछते हैं कि मैं क्लींजर ले लूंगी, एक क्लींजर ले लूंगी, मॉइस्चराइजर ले लूंगी, बट बीच में जो प्रोसेस है, बीच का जो है वो टोनर अगर हम लोग यूज नहीं करते तो क्या होगा, क्लींजिंग तो हमें करना है। अगर हम क्लींजर क्लींजर क्यों यूज करना है, फेस डीप क्लींस एंड गेट्स रिड ऑल द ऑफ ऑल द एक्सेस ऑयल एंड डर्ट, राइट, मेकअप को रिमूव करता है इम्प्यूरिटीज, यू आर अनकंट्रोल थ्रू आउट द डे, स्किन क्लियर रखना है हमें, तो स्किन क्लियर हो जाती है हमारी अगर हम लोग डेली क्लींजिंग करते हैं, रेडिएंट हमें अगर रखना है, हेल्दी स्किन रखनी है तो हमें डेली क्लींजर करना है। अगर हम लोग क्लींजिंग नहीं करते डेली तो क्या होगा, आपका जो बोलते हैं जैसे बहुत जल्द जो है आपकी स्किन जो है, योर स्किन विल बी मोर प्रॉन एंड ब्रेकआउट्स, डिहाइड्रेशन, राइट, प्री मैच्योर एजिंग आना स्टार्ट होगा, इसलिए हमें क्या करना है, डेली क्लींजिंग करना है। यू कैन चूज राइट प्रोडक्ट, हमने क्या किया है, हमने राइट प्रोडक्ट चूज किया हमारे स्किन के लिए और अप्लाई किया, और आपके साथ हम लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। देन टोनिंग क्यों करना है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना क्लींजर मैं ले लूंगी, मॉइस्चराइजर ले लूंगी, बट मैं टोनर नहीं लूंगी, तो होगा क्या, नहीं होता है, क्योंकि टोनिंग क्यों करना है, आपके स्किन को जो शाइन देने का काम है, हाइड्रेट रखने का काम है, वो जो टोनिंग करता है टाइटनिंग रखता है, टाइटनिंग हमारी स्किन को चाहिए, एक एज के बाद आपको जरूर चाहिए, नहीं सारे लोगों को, आफ्टर 30 25 तो अभी हमें टाइटनिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो हमारे स्किन को टोनर क्या करता है, टाइटनिंग का काम करता है। देन आई क्रीम क्यों यूज करना है, वो तो मैंने पहले ही बताया, डार्क सर्कल्स जिसको है वो यूज कर सकता है, अगर आपको डार्क सर्कल नहीं आना चाहिए, जाने आपको एजिंग नहीं चाहिए, अर्ली एजिंग जो होता है स्टार्ट होता है, तो उसको आप अगर स्टॉप कर सकते हो वहीं पर, तो आपको आई क्रीम यूज करना है। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का रोल तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मॉइस्चराइजर हमारे जो स्किन में जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होता है, बेजान त्वचा जो हमारी रहती है उसको हमें मुक्ति मिलती है, जैसे एजिंग कम होता है हमारा, प्रॉपर हमारा हाइड्रेशन, देन सॉफ्ट जैसे स्किन आप फील कर सकते हो, ऐसे नहीं वहां से मुझे आप सारे लोग दिख रहे हो, बट आपको स्किन जो है वहां से भी आप ये पता कर सकते हो, नहीं इतना सॉफ्ट फील होता है मॉइस्चराइजर लगाने से, बट ये रातों रात का प्रोसेस नहीं है, आपको ये जो है वो डेली करना है, राइट। मॉइस्चराइजर का मैंने बताया, नाइट क्रीम, अभी नाइट क्रीम की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास बाकी हमारे जो पहली रेंज है वहां पे नाइट क्रीम भी अवेलेबल है, मैं एक जैसे मैं बताऊंगी कि नाइट क्रीम हमें यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि रात में जैसे हम लोग सोते हैं तो हम शांति से सोते हैं, वहां पे शांति रहती है। नाइट क्रीम अप्लाई करने से क्या होता है, उसकी जो हमारी जो कोशिकाएं रहती है, हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं रहती है वो जो है जनरेट रीजनरेट होने का काम करती है, शांति से सोते हम लोग तो रात को ही हमारी स्किन जो है रात को जो हमारी स्किन जो है वो अच्छे से, स्किन को जो मॉइस्चराइजर अच्छे से मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, स्किन ग्लो करने का काम भी जो है, सारे जो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस है वो रात में होती है। सो हमें जो है नाइट क्रीम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये रेंज जो है काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, पर ऐसे नहीं कि हम लोग जो मैंने यूज किया है, मैं आपके साथ जैसे शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे क्या कीजिए, आप फील कीजिए, फील कर सकते हो इस रेंज को, आप यूज कीजिए, फील कीजिए, और आपको जो है यहाँ से 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट्री अगर ब्रांड का मैं एक ही चीज बताऊंगी, बहुत सारी हमारे पास आर्टिस्ट्री की रेंज है, बट एक चीज बताऊंगी, हमारा जो ब्रांड है ट्रू क्लेम करता है, नॉट नियर टू ट्रू, ट्रू क्लेम का मतलब है राइट क्लेम, यानी हमारे प्रोडक्ट जो है आपको 100% रिजल्ट देंगे। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स है आप सभी को पता है, बट आपको राइट प्रोडक्ट, मैंने जैसे कहा कि आपको राइट प्रोडक्ट चूज करना है, राइट ब्रांड चूज करना है, जो हमने किया हम कर रहे हैं, और एक चीज बताऊंगी आपको कि आप अगर इसको यूज करेंगे तो आप खुद जो है इस अपने स्किन में जो है काफी डिफरेंस, काफी अच्छा फील करोगे, राइट। ब्यूटी का दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास है जो हमारा वेट कर रही है, राइट। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको भी दिया है, उसका टेस्टिमोनियल पर हम लोग देखेंगे,
एक ही चीज बोलूंगी मैं लास्ट आपको कि मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं कुछ मेरे ये बताऊंगी कि क्या फॉलो डेली क्या फॉलो करना इम्पोर्टेंट रहता है, और मैं मेरे लाइफ में जो है वो काफी सालों से कर रही हूँ कि एक ही चीज एक चार पांच चीजें मैं करती हूँ, जैसे स्टिक टू द बेसिक्स, हमें बेसिक के साथ स्टिक रहना है, देन यूज अ करेक्ट क्लींजर, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइजर, ऑलवेज यूज सन प्रोटेक्शन, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो सन प्रोटेक्शन आप यूज कीजिए, हाइड्रेट कीजिए अपने स्किन को, जैसे वाटर है देन कोकोनट वाटर, हम लोग कुछ जूस वगैरह हम ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी, ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी आप कंज्यूम कीजिए, देन एक्सफोलिएट जो है वो प्रॉपर कीजिए अपने स्किन को। और एक चीज बताऊंगी, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी या बहुत सारी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हम लोग क्या है, मैं मेरे स्किन में इन्वेस्ट कर रही हूँ, राइट? आप भी अपने स्किन में जो है थोड़ा थोड़ा डेली जो है वो डेली अपने स्किन में जो है आप एक ये कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपकी स्किन भी लॉन्ग, स्किन रातों रात अच्छी नहीं होगी और रातों रात खराब भी नहीं होगी, एजिंग जो है, एजिंग प्रोसेस जो है, या कुछ भी रहने दीजिए कि आप रातों रात कुछ प्रोसेस होने वाला नहीं है, राइट? तो हमें क्या करना है, रातों रात हमारी स्किन ठीक भी नहीं होगी, इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और बस ज्यादा बात नहीं करूंगी, बहुत सारी बातें आपसे भी हम लोग सुनेंगे, जैसे अंकित जी, अंकित जी जी हाँ, मैं खाली यहाँ पे एक मेरा टेस्टिमोनियल का मैंने वो आप इनके साथ शेयर करेंगे। श्योर, मैं अभी वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ओके क्या ये विजिबल है? 1 मिनट सर, हाँ सर दिख रहे हैं, रन कीजिए। ये आप देख रहे हो मेरा आर्टिस्ट्री के साथ मेरा जो जर्नी था यहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट सर, ये मुझे मेरा जो आइडेंटिटी है जो एम्बे आर्टिस्ट्री ने मुझे दिया था, सो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ था। ये कुछ हमारे टीम लीडी है और मैम के साथ हमारा पिक्स है। सर ये हमारी एंटायर टीम है, अरुण सर हमारे मेंटर, देन हमारे सारे टीम मेंबर्स। सर फास्ट लेंगे तो भी चलेगा या? हाँ ये जो था दोस्तों, ये ऐसे नहीं कि इनको मैंने, ये मेकअप के साथ है, यानी जो पहले इनकी स्किन थी और बाद में इनका स्किन था काफी डिफरेंस है। इसके बाद आप देख सकते हो कुछ मेक विथ मेकअप, यानी जिनको मैंने स्किन केयर भी दिया है और मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं वो उनका भी है, और आप खाली स्किन के जो रिजल्ट है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए सर, खास मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी, ये जो यहाँ पे एक लड़की है उसका फेस आप देख सकते हो, तो ऐसे ये जो यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो पिगमेंटेशन पिंपल एक्ने से इनका स्किन बहुत डैमेज हो गया था, और यहाँ पे आफ्टर यूज जो है उनका स्किन काफी अच्छा हो गया था, यानी उनका डार्क सर्कल सॉरी स्पॉट्स कम हो गए थे, पिंपल्स कम हो गए थे, और उनको जो है वो जो टैनिंग हो गया था तो वो भी उनका जो है वो कम हो रहा था। नेक्स्ट, हाँ, और ये जो है अभी मेरे स्किन स्टूडियो में इनके ट्रीटमेंट चल रही है, तो इनको ये जो लेडी है पुलिस है, पुलिस में जॉब करती है, सो इनका जो स्किन है, इनका जो रूटीन है तो बहुत ही खराब रहता है, जैसे आपको पता है बाहर, और बाहर का खाना, टी ज्यादा लेते, सो ये जो लेडी, इनको काफी अच्छा रिजल्ट स्किन में मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। ये मेरा खास अभी इनके ऊपर जो है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बेस हैं, क्लाइंट्स हैं मेरे, बट कुछ मैंने सिलेक्टेड आपके यहाँ पे मैंने
सर के साथ जो है वो एक छोटा सा पीपीटी बनाया था। सर फास्ट फास्ट ले लीजिए, ये तो हमारे जैसे क्लींजिंग टोनिंग हमने जो डेमो किया था ब्यूटी ब्रेक करते थे, तो उसके भी कुछ मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर किए हैं कि आफ्टर यूज, बिफोर एंड आफ्टर यूज हमारे आर्टिस्ट के साथ कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपने वो लिडी का जैसे मैंने बताया था, ये भी यहाँ पे पहले जो मैंने बताया था एक रिजल्ट, सर आप फास्ट फास्ट ले लीजिए खाली। जो मैंने पुलिस जो लेडी थी उनका जो मैंने पिक्चर एक बताया था आपको, तो दोस्तों आपको क्या लगा कि ये रातों रात में उनका स्किन खराब हो गया? नहीं, तो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना है, हमारे स्किन में जो है आज से जो है वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। आप भी अपना स्किन जो है, अपना जो स्किन न्यूट्रिशन आर्टिस्टली स्किन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन सेट से जो है आप भी बेहतर ब्यूटीफुल दिख सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित जी। ग्रेट वंडरफुल बहुत मैम। सारा, सो हाँ एक सेकेंड सर, बहुत सारे स्लाइड्स, बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स थे, बट यानी टाइम भी कम है, टाइम कम की वजह से हमने फास्ट फास्ट लिया था, बट बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं। मैं इतना ही चाहूंगी कि आप खुद को क्या समझते हैं वो मैटर करता है। मैं मेरे प्रोडक्ट का मुझे खुद को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर समझती हूँ, क्या आप समझते हो? दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड बैक टू द होस्ट, बैक टू द आवर वंडरफुल होस्ट। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू मैम, अंकित। थैंक यू सो मच। बस एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा मैम, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे वर्किंग किया है, इतने अच्छे लोगों को रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। सो सप्लीमेंट्स में आप यहाँ पे उनको क्या रिकमेंड कर रही है? प्रोडक्ट्स में तो आपने बताया स्किन न्यूट्रिशन और क्लेंजर हाँ टोनर, मैम, और एक यस न्यूट्रिशन में क्या दे रहे हैं? हाँ मैंने, हाँ आउटर एंड इनर ब्यूटी दोनों दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने जो स्किन के लिए जो है मैं न्यूट्री यानी सेट तो देती हूँ, आउटर जैसे क्लींजिंग है, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, नाइट क्रीम, ये सारी चीजें मैं देती हूँ। बट उनको मैं देती हूँ खास तौर से कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है स्किन की, अगर एक्ने है तो मैं उनको नेचुरल भी दूंगी, विटामिन सी देती हूँ, ओमेगा, एंड हमारा जो बाइटिंग चेरी है वो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि हेयर्स स्किन नेल स्किन सारे अच्छे होते हैं, तो कोई भी मुझे ज्यादा पूछता नहीं है। मैं तो वहां पे मैं स्किन का ये करती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, उसके भी मुझे पैसे मिलते हैं, प्रोडक्ट में उनको देती हूँ, उनके भी मुझे पैसे मिलते हैं। यानी आप जो है वो दोनों उनको दे सकते हो, पर एक ही बताऊंगी, आप सारे हमारे पास एमवे आर्टिस्ट्री काफी सारे प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आती है, बट हमें क्या करना है, खुद यूज करना है, खुद के स्किन के ऊपर। अगर उनको आपके प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपके उनको ये जो क्वेश्चंस है वो शुरू ही रहेंगे। सो आपको क्या करना है, खुद यूज करना है, देन आप उनको रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट वंडरफुल मैम। सो बहुत अच्छे, यहाँ पे आपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कंफर्म बोलते हैं प्रूफ के साथ जो है वो आपने बात किया है। सो थैंक यू स्मिता मैम, अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स को शेयर करने के लिए। आई एम श्योर यहाँ तक आप सभी ने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन ली है। नाउ इट्स टाइम टू हेयर फ्रॉम अनदर सक्सेसफुल लेडी, अनदर सक्सेसफुल लीडर, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे ब्यूटी कैटेगरी में बिजनेस बिल्ड कर रही है, प्लस बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो कैसे यूज कर रही है, उसका फायदा उन्हें क्या मिला है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये हम जानेंगे। तो अगेन मैं चाहूंगा सभी लोगों से प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। वी आर गोइंग टू इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर, सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज हेल्प मी वेलकम निर्मला पंसारी जी, जो कि अगेन एक ब्यूटी कंसल्टेंट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। निर्मला मैम स्वागत है आपका, ओवर टू यू। थैंक यू आरुण सर, एम आई ऑडिबल? यस मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, थैंक यू मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गॉड का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मुझे ये एमवे मिला और आर्टिस्ट्री जो अरुण सर हमारे मेंटर है, अरुण सर और मीना मैडम उनके थ्रू, और स्मिता दीदी और विजय सर उनके थ्रू मुझे ये एमवे का बिजनेस मिला, उसके वजह से मुझे ये प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट मिले, तो बहुत थैंक यू। और मैं अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी। मैं निर्मला, मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और एक मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ।
मुझे ये प्रोडक्ट, मतलब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट यूज करके भी देखे. मेरा स्किन पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले मेरी स्किन बहुत खराब होती थी. मेरी स्किन ऑयली होने की वजह से मेरे स्किन में बहुत सारे पिंपल्स के, मतलब पिंपल, रेडनेस, मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है. उसकी वजह से मैंने कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर का यूज किया तो मुझे बहुत सारे मतलब रेडनेस, और कभी कभी सेंसिटिव की वजह से मेरे स्किन को कभी कभी एलर्जी भी हो जाती. तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है. पहले तो मेरी स्किन में बहुत सारे पिंपल होते थे, तो फिर उसकी वजह से मैं बहुत मतलब परेशान हुआ करती थी. दाग धब्बे थे मेरे स्किन में, और उसी दौरान में अपना ये कॉस्मेटोलॉजी भी एजुकेशन चल रहा था मेरा. तो बहुत बुरा लगता था कि मेरी ऐसी स्किन है और मैं स्किन में वर्क करने वाली हूँ, या फिर आगे जाके मेरा स्किन का, मेरा मुझे खुद का सलून डालना था. तो फिर मैं ऐसे स्किन को लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी. लेकिन जब से मुझे स्मिता मैम ने ये प्रोडक्ट मतलब दिए, तो मेरे अभी मेरा सलून है, लेकिन मेरे खुद का मतलब मेरा स्किन ऐसे नहीं थी. तब मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट लो होने की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अभी स्किन में काम करूंगी तो फिर मैं उनको कैसे सोल्यूशन दे पाऊंगी. तो सबसे पहले मैंने अपने स्किन पे वर्क किया. खुद मैंने ये न्यूट्रिशन, स्किन न्यूट्रिशन का, बैलेंसिंग का सेट पूरा लिया. और पहले तो मैं इसको मतलब बाकी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरी स्किन और चिपचिपी, ग्रे की जैसी, मतलब बहुत सारा ऑयल मेरे स्किन में दिखता था. और इसकी ये जो प्रोडक्ट मैंने लिए, इसके बाद जो मेरे स्किन में मतलब ग्लोनेस आया है, मेरी स्किन हाइड्रेटिंग हुई है, मेरा ऑयल का बैलेंस, स्किन में जो ऑयल आता था वो बैलेंस हो गया है. तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे है. और मेरा जो खुद का जो रिजल्ट मैंने अपने स्किन के ऊपर जब दिखने लगा, तभी मुझे स्किन बहुत मतलब, जैसे मैं स्किन को हाथ लगाती हूँ तो स्किन बहुत हेल्दी और ऐसे सॉफ्ट स्मूथ लगने लगी है. तो लोग भी मुझे अभी पूछने लगे कि क्या आपकी पहले स्किन कैसी थी. सबने मतलब देखते हैं हमको तो बोलते, पहले स्किन बहुत अलग थी, अब क्या यूज कर रहे हैं, बहुत मतलब स्किन में अच्छे से शाइन आ रहा है, ग्लो आ रहा है, बहुत अच्छी सी स्किन हो गई है. फिर लोग पूछने लगते क्या यूज किया है. तब मैं उनको अपने, मेरे क्लाइंट को या फिर फ्रेंड सर्कल में जो जो भी पूछते हैं मुझे, वो मतलब जो जैसे हम हमारे सलून में और हमारे एमवे के बारे में जब हम बिजनेस करते तो उसके बारे में हम बोलते रहते, लेकिन अलग से कभी कभी कोई बोलता है कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है. तो और एक्साइटमेंट होके और हम ये प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते. तो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर भी बन गए इस वजह से. प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से लिया है मैंने. मेरे स्किन का सिर्फ बाहर से ही प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का भी मतलब प्रॉब्लम था स्किन का. तो मैंने इंटरनल भी जैसे विटामिन की कमी रहती है हमारे अंदर से, या फिर जो भी गैप रहता है न्यूट्रिशन का, वो फुलफिल नहीं हुआ तो भी हमारे मतलब एक्सटर्नल स्किन पे वो चालू होता, स्किन में इश्यूज दिखने लगते. तो इंटरनल भी उतना ही जरूरी है हमारे स्किन में न्यूट्रिशन का. तो मैंने इंटरनल भी चालू किया और एक्सटर्नल भी. तो मैंने इंटरनल भी विटामिन विटामिन की सप्लीमेंट, और हमारा जैसे स्मिता मैम ने बोला नेचुरल बी का, नेचुरल सी, ओमेगा और बायोटिन चेरी, ये सब चीजें मैंने अंदर से भी लेना स्टार्ट किया. और बाहर से एक्सटर्नल तो मैं न्यूट्रिशन का सेट भी यूज करती हूँ. तो बहुत मेरे स्किन में ज्यादा फर्क, जल्दी से फर्क आना चालू हो गया. और आफ्टर 1 वीक, 1 या 2 वीक्स में ही मेरा रिजल्ट अच्छा मतलब स्किन में आ रहा. मेरी अंडरटोन अच्छा था, लेकिन वो बाहर से पिंपल और डार्क डार्क पिंपल्स के जो दाग रहे थे, उसकी वजह से मेरी जो स्किन मतलब अंडरटोन ढक गया था, उसकी वजह से वो बिल्कुल, उसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस लो या फिर खराब लग रहा था, तो वो सब ठीक होने जल्दी से within 2 वीक में ही मेरा स्किन एकदम से क्लियर हो गया. मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से ही, दोनों ही यूज किया इसलिए. तो मेरा पहले मैं आर्टिस्टिक के स्किन न्यूट्रिशन की बैलेंसिंग के बारे में बताना चाहूंगी. पहले तो हम डेली केयर करना क्यों जरूरी है. तो डेली केयर जैसे हम सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जैसा वो डेली हमारा रूटीन हम डेली चालू डेली करते हैं, तो वैसे हमारे स्किन को भी डेली डेली केयर की जरूरत पड़ती है. अगर हम स्किन को अच्छा मतलब स्किन को डेली केयर नहीं लेंगे तो हमारे बहुत जल्दी स्किन प्रीमेच्योर होने लगेगी, या फिर हमारी स्किन एजिंग के इसमें जाएगी.
तो फिर हमारी स्किन को, सबको अच्छा लगता है स्किन सुंदर दिखना, तो स्किन के लिए हमको ये डेली केयर सीटीएम जो रहता है हमारा यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो जो हमारा जेल क्लेंजर है, जेल क्लेंजर है हमारा आर्टिस्टिका न्यूट्रिशन, स्किन न्यूट्रिशन का, तो वो क्या करता है, हमारे हमारे स्किन का एक्सेस ऑयल रहता है हमारे स्किन में, जो सिबे ऑयल ज्यादा रहता है वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। और हमारे जो डर्ट, हमारे जो अभी बाहर हम जाते हैं वो पोल्यूशन रहता है, मतलब उसकी वजह से हमारे स्किन में जो डर्ट वगैरह आ जाता है, तो वो स्किन को रिमूव करने में हमारे लिए हमारे वो क्लेंजर हेल्प करता है, ताकि हमारी एक्सेस ऑयल भी एक्सेस ऑयल निकालने में हेल्प करता है, और हमें अच्छे से फ्रेश फील करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो एमिनो एसिड रहते हैं उसकी वजह से हमारे त्वचा त्वचा में से त्वचा त्वचा को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, जो हमारा अमीनो एसिड जेल क्लेंजर में है। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा की वजह से जो हमारे स्किन में इरिटेशन, जो हमें मैंने बोला था सेंसिटिव स्किन होगी तो रेडनेस आएगा, तो ये जो इरिटेशन होता है स्किन को, वो उसको स्मूथ शुद्ध रखने में हेल्प करता है एलोवेरा। तो इसकी वजह से हमारी स्किन एकदम से रिफ्रेश लगने लगती है। तीसरा है हमारा व्हाइट शिया। इसमें व्हाइट शिया है, व्हाइट शिया क्या करता है, हमारे स्किन को हेल्दी हेल्दी लुकिंग और ब्यूटीफुल स्किन को ब्यूटीफुल स्किन रखने में हेल्प करता है, नैरिश करने का काम करता है, जो हमारे स्किन को जरूरत होती है। दूसरा आएगा टोनर। टोनर की यूज करना है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई सबके क्लेंजर और मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टोनर भी उतना ही जरूरी होता है, जो हमारे स्किन को टोनर लगाना चाहिए, जो हमारे स्किन में ओपन पोर्स रहते हैं। अभी ओपन पोर्स होने की वजह से उसमें डर्ट डोल्यूशन पोर्स में जाके बैठते हैं, तो फिर हमारी स्किन जल्दी से खराब होने लगती है। तो उसको अंदर से क्लैरिफाई करने का काम करता है, उसमें जो विच हेजल है टोनर में, उसकी वजह से हमारे स्किन में जो मतलब जो भी डर्ट वगैरह है, तो उसको जल्दी से निकालने में और जल्दी से अंदर से डीप, मतलब हमारे जो स्किन के जो लेयर रहते हैं एपिडर्मिस लेयर, स्किन का एपिडर्मिस लेयर जो ऊपरी ऊपरी तरफ स्किन का ऊपरी भाग रहता है, उसके उसमें जो पोर्स रहते हैं उसमें अंदर जाके क्लियरिफाई पोर्स को क्लैरिफाई करने का काम करता है, और हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। और ये जो टोनर है, जो हमारे स्किन का पीएच बैलेंस, मतलब वाटर और मॉइस्चर लेवल जो स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करने का काम जल्दी से करने के लिए ये काम करता है। तो हमारे स्किन का पीएच लेवल अच्छे से रखने में सपोर्ट करता है। और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, और हमारे जो सभी प्रोडक्ट है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, और क्लिनिकली टेस्टेड भी है, तो इसका बेस्ट पार्ट है ये। और ये जो हमारे टोनर है, जो हमारे स्किन को पीएच बैलेंस अच्छे से रखने में हेल्प करता है, एक तरह का सपोर्ट बैरियर, मतलब जो हमारे स्किन का मतलब कोई भी अगर पोर्स ओपन रहेंगे तो कोई भी आके इसमें अंदर चला जाएगा स्किन में, और स्किन को खराब करने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। तो टोनर बहुत जरूरी है। और अगर उसके बाद आएगा टोनर के बाद, अगर आप आर्टिस्टिका मतलब जो भी बीच में अगर आर्टिस्टिका सिग्नेचर सिलेक्ट यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं सिग्नेचर सिलेक्ट, या फिर विटामिन सी का, जो हमारा विटामिन सी हलोरिनिक एसिड जो हमारा आर्टिस्टिका प्रोडक्ट है, ये भी हम टोनर के बाद यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आर्टिस्टिका हमारा बैलेंसिंग सेट में से हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम। ये जो है आई का, अब हमें आई की केयर लेने की क्या जरूरत है, तो आई में जो डार्क सर्कल आते हैं, जैसे स्मिता मैडम ने बताया कि डार्क सर्कल आते हैं, कभी कभी हमारे आई के बाजू में रिंकल्स आते हैं, जल्दी से ड्रुपी जैसे आईज लगने लगती है, तो ऐसे आईज के लिए कभी कभी पपीनेस भी आता है आईज के नीचे, तो ये सब जल्दी से रिड्यूस, मतलब पपीनेस भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, और आई का नरिशमेंट अच्छे से कर देते हैं, मॉइस्चर लेवल आई एरिया का अच्छे से बढ़ाता है, और जो विजिबल लाइंस रहते हैं या फिर अर्ली अर्ली एज शाइनिंग जो हमें दिखती है उसके लिए ये रिफ्रेश आईज, मतलब जैसे आंखें बोलती है, जो बोलते हैं ना हम आंखें 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 भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेस का, तो उसको भी अच्छे से रिफ्रेश कर देती है। तो आई आई क्रीम लगाना बहुत जरूरी है।
उसके बाद आता है हमारा एसपीएफ का मतलब बैलेंस आर्टिस्टिक का स्किन न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग डे लोशन एसपीएफ 30 का, जबकि हम डे में डे केयर कर रहे हैं तो डे केयर में हमको एसपीएफ और ऑयली स्किन है उसकी वजह से डे केयर का एसपीएफ लोशन लगाना जरूरी है। तो ये लोशन लोशन क्या इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, मेडोस्वीट। मेडोस्वीट क्या करता है, हमारे ऑयली ऑयल को मतलब जो ज्यादा ऑयल सिक्रीज होता है, जो ज्यादा सीबम सिक्रीज होने की वजह से हमको जो पिंपल्स की परेशानी होती है उसको बैलेंसिंग बैलेंस करने के लिए हमको ये लोशन बहुत हेल्प करता है। और हमारे स्किन को जो जैसे एसपीएफ 30 है तो ये हमारे सनरेज रहते यूवीए और यूवीबी रेज रहते हैं सन के, तो उसकी वजह से हमारी स्किन को जो डैमेजेस होता है अनइवन स्किन हो जाती है या फिर हमारी स्किन अर्ली एजिंग मतलब रिंकल ये सब मतलब डलनेस आता है स्किन को, तो इससे प्रोटेक्ट करने में हमारा जो इसमें जो फॉर्मूला है पी ए 4+ का जो फॉर्मूला है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को ताज़ा रखने में हेल्प करता है। और पोल्यूशन से इसमें जो पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है वो हमारी स्किन को पोल्यूशन बैरियर का काम पोल्यूशन बैरियर जैसा सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी स्किन में कोई भी मतलब जो रहता है हमारी स्किन मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, सूदिंग देने का काम करता है, हमारी स्किन को स्मूथ जैसा अच्छे से स्मूथ और अच्छी फीलिंग फील करता है करा है, और हेल्दी स्किन को रखने में मदद करता है। हमारे जो स्किन का सैगिनेस आया है स्किन में कभी कभी लैक ऑफ मॉइस्चराइजर, हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर की कमी होती है तो स्किन का मॉइस्चर लेवल भी अच्छे से बढ़ाता है। और स्किन को जो हमारे सेल्स रहते हैं कभी कभी हमारे स्किन में मतलब एज की वजह से जो हमारी स्किन इलास्टिन कोलाजिन मतलब कम मात्रा में स्किन में रहता है तो उसको रिबिल्ड करने का इलास्टिन कोलाजिन को रिबिल्ड करने का काम करता है, ताकि हमारी स्किन अच्छे से एजिंग और यंग लुकिंग और हेल्दी लुकिंग दिखने में हेल्प करता है। तो उसके बाद आता है उसके बाद हमारे जो नाइट केयर हम करेंगे जो ये हो गया डे केयर का, नाइट केयर करेंगे तो नाइट केयर के लिए वो भी इतना बहुत जरूरी होता है, जो रात के समय हम वही हमारा जो जेल क्लेंजर है वही हमें जेल क्लेंजर यूज करना है, और वही टोनर जो मैंने बताया अभी टोनर का वही यूज रात को भी टोनर लगाना है। उसके बाद अगर आप सिग्नेचर से लेके या फिर हमारा जो आर्टिस्टिक का विटामिन सी का जो है वो प्रोडक्ट आपकी चॉइस के हिसाब से आप वो लगा सकते हैं, उसके बाद आप आई क्रीम लगाओ, आई क्रीम के बाद आता है नाइट क्रीम आएगा जो रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन जो क्रीम रहता है नाइट का, उसको भी हम यूज करेंगे। उसका यूज इसलिए है कि रात को हम जो रात को स्किन हमारी बहुत रिलैक्स रहती है तो स्किन को जो रात को अगर हम प्रोडक्ट देंगे मतलब डे में तो चाहिए ही चाहिए, डे को डे के लिए जो प्रोडक्ट जरूरी है जितना, जैसे बाहर में जाके जाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डे केयर तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो वैसे ही नाइट को हम अगर ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो नाइट में जब हमारी स्किन रिलैक्स रहती है तो ज्यादा उसमें ज्यादा जो प्रोडक्ट जो हमको चाहिए मतलब हेल्दी लुकिंग स्किन यंग लुकिंग स्किन जो चाहिए उसको जल्दी मतलब जल्दी वर्कआउट करने में हेल्प करती है नाइट क्रीम। इसलिए हमको ये जैसे डे केयर में हम इसका डेली केयर यूज करते हैं वैसे ही नाइट में भी हमें यूज करना चाहिए। मैं खुद इसका यूज करती हूँ, इसकी वजह से मैं अपने स्किन में स्किन बहुत मतलब अच्छी मेरी होने लगी और बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे मैंने अपने ऊपर दिखाए, और मैंने जो 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 मतलब मेरे क्लाइंट कस्टमर को मैंने जो ये प्रोडक्ट दिया है वो भी बहुत सेटिस्फाई हो गए। तो ये प्रोडक्ट हमारा डेली केयर के लिए रूटीन में हमको ऐड करना ही चाहिए। और इसके बाद में अपना खत्म करती हूँ। थैंक यू अंकित सर, मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू, ऑल टू यू सर। वंडरफुल निर्मला जी, बहुत अच्छी तरीके से जो है आपने प्रॉपर सीक्वेंस बताया, पूरा रूटीन बताया, प्रोडक्ट का यूसेज बताया और इम्पोर्टेंस बताया यहाँ पे स्किन केयर क्यों करना चाहिए, कौन सी रेंज यूज करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आशा करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है वो यहाँ पे ये आज का टेस्टिमोनियल राउंड जो है सेशन जो है वो पसंद आया, कहीं ना कहीं आपको पता चला कि यस ये रेंज पे फोकस किया जा सकता है, बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है और लोगों को एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने में प्रेरित किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू हमारे दोनों स्पीकर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बाकी सभी लोगों ने जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली,
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय, गुड।